नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और झांसी का यह सीपरी बाजार सुपर सुभाष मार्केट है। और क्या तैयारियां हो रही हैं दीपावली की बाजार में आप देख सकते हैं। चारों तरफ चांदनी लग रही है, अंधेरी रात में चांदनी दिखाई दे रही होगी। अंधेरी रात का मतलब है लाइट चली गई है। जब लाइट चली गई है तो हमें भी कुछ याद आ गया। जख्म खरीद कर लाया हूँ बाजार ये मोहब्बत से, दिल बड़ी जिद कर रहा था कुछ ला कर दो। बाजार को सजाने के लिए आप देख रहे होंगे चांदनी लगाई जा रही है। अभी रोशनी से जगमगाएगा पूरा बाजार। ये सुभाष मार्केट सीपरी बाजार झांसी का नज़ारा है। और गणेश जी और लक्ष्मी जी भी सामने आप देख सकते हैं। अब इनका भी शुभारंभ हो गया है बाजार में, दुकानें सज गई हैं। अब ये मत कहना कि गब्बर आ जाएगा, गब्बर अब्बर अब नहीं आता है। अब ना वो गब्बर रहा और ना वो सोले का श्यामा रहा। अब ये सीपरी बाजार का बाजार है, यहाँ किसी गब्बर की नहीं चलती। यहाँ पर सिर्फ बाजार में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की चलती है। शुक्र है हंसी बाजार में नहीं बिकती, वरना लोग गरीबों से यह भी छीन लेते, ये किसी शायर ने कहा था। ये आप देख रहे होंगे शुभकामनाएं, ये पहले से सालों रोज शुभकामना देते हैं लोग। दीपावली में शुभकामना देते हैं, ये दुकान का नाम ही इनने शुभकामना रख दिया है। कितना खूबसूरत नज़ारा है कि आपको शुभकामना मुँह जवानी मिलती है, लेकिन यहाँ सीपरी बाजार में शुभकामना पे सब कुछ मिलता है। सब कुछ का मतलब कपड़े के उससे है। आप देख रहे होंगे सर्दी भी आ गई है, कंबल नई वैरायटी के आ गए हैं। बाकी वैरायटी तो लाना ही था क्योंकि त्यौहार है, दीपावली है। ये दोनों लोग खेत पर से आए हैं और इन्होंने भी सोचा कि हम नया कुर्ता लाते हैं और पहनकर खड़े हो गए और दिखाने लगे कि हमारे जैसा कुर्ता ला के बताओ तो जाने। फ्लावर सामने हैं बाजार में, उन नोट को भी बिकते देखा है जो कभी खरीदने की ताकत रखते थे। अभी धनतेरस आई नहीं, बर्तन की दुकान पर आप भीड़ देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं गुरु नानक एम्पोरियम है और खाली, दुकानदार अपने टाइम पास कर रहे हैं। बाजार में पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। बाजार में ग्राहक नज़ारत और दुकानदार व्यापारी सन्नाटे में। भरे बाजार से अक्सर खाली हाथ आया हूँ, कभी ख्वाहिश नहीं होती, कभी पैसे नहीं होते। सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है और लक्ष्मी ना हो तो गणेश अधूरे हैं। गणेश और लक्ष्मी सामने हैं और दीपावली का इंतज़ार हो रहा है। बस इन्हें ले जाओ और अपने घर में बक्सा भर कर लक्ष्मी रख लो। जब इनकी पूजा करोगे तो लक्ष्मी छत पे से बरसेगी, क्योंकि भगवान को जब आप चाहोगे तो भगवान आपको चाहेगा। और जैसी नियत से आप जिसको चाहते हैं उसी नियत से उसका फल मिलता है।
दीपावली में जो लक्ष्मी की पूजा होती है गणेश भगवान की, तो खूब झलाझल छप्पर फाड़ के लक्ष्मी बरसने लगती है। कर्म हम आपको करना पड़ता है, लेकिन उस कर्म का फल जरूर मिलता है और लक्ष्मी के रूप में किसी न किसी रूप में फल जरूर मिलता है, उसको ही हम लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी पैसे का मतलब नहीं होता कि पैसा आ जाए तभी लक्ष्मी आएगी। कोई भी अच्छे कर्मों का फल जब हमें मिल जाता है तो वो लक्ष्मी जैसा ही प्रसाद मिलता है। और आप देख रहे होंगे सेठ जी सन्नाटे में बैठे हुए हैं, सुनसान है मामला, हर जगह सन्नाटा है। दीपावली का बाजार है, बाजार में अगर सन्नाटा हो तो चिंता लाजमी है। लाइट दीपावली का बाजार है और बाजार में लाइट नदारत है, समय तभी अंधेरा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं लाइट आ गई है, हमने जैसे ही बोला कि बाजार में लाइट नदारत है, दीपावली का समय है और लाइट हाजिर हो गई है। ये हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं परमात्मा का कि हमने बोला और लाइट आ गई है। और इस समय तो त्योहारों का सीजन है और आने वाले चुनाव भी आ रहे हैं नगर निगम के, हर जगह आपको खम्भों पे होर्डिंग दिख जाएंगी समाज सेवी बधाई देते हुए, क्योंकि दीपावली का समय है। सामने आप देख रहे होंगे कलर मॉल है। हाथ की लकीरें पढ़ने वाले ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए, हाथ देख कर बोला तुझे मौत नहीं किसी की चाहत मारेगी। पूजा का सामान भी आप देख सकते हैं यहीं पर मिलता है सिपरी बाजार में। आप बाजार के हालात देखिए, अभी 8 बजने को हैं और बाजार में सन्नाटा आप देख रहे होंगे। आप बस दुकानदारों को देखिए कितना सोच विचार में है कि ग्राहक कहाँ चले गए हैं। आप बस बाजार को देखते रहिए, दुकानदार ग्राहकों को निहार रहे हैं, जैसा कि और जगह इंतज़ार किया जाता है कि आओ आओ बुलाते हैं, ऐसे ही बाहर ग्राहकों का इंतज़ार करते हुए। सन्नाटे में है मामला, क्या कारण है भाई साहब कि इतना सन्नाटा है बाजार में? मतलब बाजारों में सन्नाटे की वजह एक तो महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ग्राहक इसी उम्मीद पे है कि और सस्ता, वो तो हो नहीं सकता। समस्याएं वही हैं, ग्राहक की उम्मीदें हैं रेट कम मिलें, जबकि कम से कम 20-30% की वृद्धि है बाजार में। आप किसी भी चीज़ को देख लो आप, जो नहीं सर, तो इसका कारण क्या है? कारण भाई सब ऊपर से ही रेट बड़े हुए आ रहे हैं। आप देखिए सर्फ एक्सेल 95 रुपए का था, 130 रुपए हो गया, तो इसको महंगाई माने क्या? तो महंगाई है, कन्फर्म है महंगाई। और लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन की वजह से बाजार में ये हालात हैं। भाई साहब ऑनलाइन की भी एक वो ऑनलाइन बिल्कुल सत्यता है, ऑनलाइन की वजह से भी बाजार में मंदी है। अब जैसे मान के चलो ऑनलाइन इतना ऑफर देते हैं जी और इतना सस्ता देते हैं, तो हर आदमी सोचता है भीड़ भाड़ में क्यों जाएं, गाड़ी खड़े करने की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, ये बात भी सर्वथा सत्य है, हम इसको नकार नहीं सकते। तो इसका कोई उपाय नहीं है भाई साहब? कोई उपाय नहीं, हम ऑनलाइन वालों से कभी जीत भी नहीं सकते। धन्यवाद। ये न्यू जीन्स पॉइंट है, काफ़ी अच्छा शोरूम है, इनके यहाँ बच्चों से लेके बड़ों तक का सब कुछ मिलता है। 11 बजे आप बाजार के हालात देखिए,
ये अत्री चौराया है शिवरी बाजार झांसी का। अत्री चौराहे पर